Hello teachers, welcome again. It's a new video and I'm Prabhakar Jha. We are going to talk, I'm a physical education teacher, Modern School Faridabad. So we are going to talk about yoga. Yoga se hum shuru, yoga ke bare mein aaj main aapko bataunga sari cheeze ki yoga mein kya hai, asan hai, kya iske reason hai karne ke, kya inke demerits hain, kya iske merits hain, kya fayda hai, kya nuksan hai aur yoga kyun bahut mahatvapurn hai kyunki hamare subject ka hissa hai. The yoga comes the word yoga comes from Sanskrit word yuja meaning to yoke, join or unit. The implies the joining of integrating all aspect of the individual body, mind with soul to achieve a happy, balanced and useful life, and especially uniting the individual with the supreme power. Main bata dun yoga ka matlab kya hai. Yoga Sanskrit word se yuja meaning se aaya hai. और योग का अर्थ है जोड़ना. इसमें योगा का मेन जो उद्देश्य है वो बॉडी माइंड को है सोल से जोड़ना है, आपकी आत्मा से जोड़ना है. जो अब ध्यान हम करते हैं और वो भी योगा का हिस्सा होता है. तो योग का मेन अर्थ है योगा प्लस आसन. आसन जो हम करते हैं वो योगा और आसन मिलकर हमारा जो बॉडी और माइंड है उसको कहीं ना कहीं आत्मा से जोड़ता है और उसके बाद वो उसे खुश रखने में हमारी हेल्प करता है. ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कौन कितनी देर योगा करते हैं और क्या उसका लाभ उठा पाते हैं. योगा जो वर्ड है वो संस्कृत वर्ड के यूज से आया है और इसका जोड़ना, इसका जो है मेन योग मतलब जोड़ना, योगा. तो मैं आगे चलता हूँ और आपको बताऊँगा कि योगा के कितने स्टेज हैं. मैं बता दूँ योगा के 8 स्टेज हैं. योगा के योगा यम योगा माना जाता है जिसे. इसमें नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है. ये जो 8 स्टेज हैं योगा के, ये सब योग क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. बिना इनके, बिना नियम के, बिना आसन के, बिना प्राणायाम के, बिना प्रत्याहार के, बिना धारणा के, बिना ध्यान के, बिना समाधि के, आपकी जो सोल बॉडी है वो सोल से नहीं जुड़ पाती है कभी भी. तो इसलिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आप अपने आप को, बॉडी को, माइंड को कैसे अपने सोल से आप जोड़ सकते हैं. चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसे क्या यूज़ है. नीड एंड इम्पोर्टेंस फॉर चिल्ड्रेन. हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर चिल्ड्रेन. रिसर्च शो योगा हेल्प चिल्ड्रेन फोकस इन स्कूल इन ऑर्डर टू अचीव हायर एकेडमिक सक्सेस. सीधी सी बात है कि मैं बता दूं कि योगा का जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों में सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, उसके बाद उनके माइंड को, उनकी बॉडी को, फिजिकली उनको एक्टिव बनाना, इसका मेन उद्देश्य है. और वो किस तरह से योगा करके पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे कर सकते हैं. योगा में कोई भी किसी तरीके कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे हैं. लेकिन इसको करने का जो आपकी टेक्निक है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. योगा सबसे पहले बच्चों के अंदर शांति लाती है, खुशी लाती है, क्रिएटिविटी उनके अंदर आती है, जो बहुत उनको आगे लाइफ में हेल्प करती है. योगा हेल्प्स विद द सेल्फ सिस्टम, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड वेट लॉस. व्हेन चिल्ड्रेन लर्न टेक्निक्स फ्रॉम द सेल्फ हेल्थ, रिलैक्सेशन एंड इनर फुलफिलमेंट, दे कैन निविगेट लाइफ चैलेंजेस विद ए लिटिल मोर ईज. मैं बता दूँ, साफ साफ लिखा है कि योगा से बच्चे में हर तरीके से जो है डेवलप्ड होता है, उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ता है बहुत ज़्यादा योगा करने से, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, स्टेमिना बढ़ता है, उन्हें काम करने की क्षमता बढ़ती है उनका. अगर किसी बच्चे का वेट ज़्यादा तो वेट भी लॉस होता है इससे. तो योगा जो टेक्निक्स है वो कुल मिला के रिलैक्सेशन के लिए है, इनर पीस यानी शांति के लिए है. योगा करके आप हर तरह के चैलेंज से आप निपट सकते हैं. योग का ऐसा मानना है, योग करने वाले लोगों का ऐसा मानना है और जो लोग इसके जन्मदाता हैं उनका ऐसा मानना है. योगा एट एन अर्ली एजेस इनकरेज सेल्फ स्टीम एंड बॉडी अवेयरनेस विद ए फिजिकल एक्टिविटी डैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव, प्रमोट कॉपरेशन एंड कंपेशन इंस्टेड ऑफ अपोजिशन. योगा आसन्स आर यूनिक पोस्चर डैट इनहेंस देयर फ्लेक्सीबिलिटी, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन एंड बॉडी अवेयरनेस. इन एडिशन देयर कंसंट्रेशन एंड सेंस ऑफ कामनेस एंड रिलैक्सेशन इम्प्रूव. मैंने आपको पहले ही बताया था कि योगा के क्या फ़ायदे हैं, योगा आसन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था अभी.
फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बहुत ज़्यादा बॉडी को, हमारी बॉडी की मांसपेशियाँ जो हैं वो उनको खिंचाव आता है उनमें, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। वार्मिंग अप आपने सुना होगा, इससे पहले हमने वार्मिंग अप की भी बात की थी। तो वार्म अप हम किस लिए होते हैं? हमारी जो मांसपेशियाँ हैं रबड़ की तरह है, जब रबड़ गर्म होता है आसानी से खिंच जाता है, लेकिन जब वो ठंडा होता है आप उसे खींच नहीं सकते। तो आप जब वार्मिंग अप करते हैं उसके बाद योगा आसन शुरू होते हैं, इसमें हम स्ट्रेंथ बढ़ता है, इससे कोऑर्डिनेशन आपका बढ़ जाता है, बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपकी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी लाइफ में वो है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन एक ऐसी चीज़ है, बिना एक कॉन्सेंट्रेशन को हम एकाग्रता बोलते हैं हिंदी में, एकाग्रचित होके अगर हम किसी काम में लग जाते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पे होता है, उससे हम बाहर नहीं निकलते हैं, हम उस काम में ही लगे रहते हैं। और जब तक हम वो काम करते हैं, जब तक हम उस काम को पूरा नहीं कर देते हैं। योगा कॉन्सेंट्रेशन तो लाता ही है, उसके अलावा रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छी है। रिलैक्सेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ताकि आप अगर बहुत थक गए हैं तो रिलैक्सेशन आपको योगा से प्राप्त हो सके। योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग देयर ओवरऑल इम्यूनिटी बाय रिस्टोरिंग सर्कुलेटरी रिस्पेक्टली एंड डाइजेस्टिव बलिटी थी। योगा से जो देखिए मेन जो आपका काम क्या है, देखिए योगा सिर्फ आपको रिलैक्सेशन तो देता ही देता है, साथ में आपके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, जो खाना पचाने का जो प्रोग्राम है आपका पेट के अंदर, जिसे खाना पचता है, उसके लिए योग क्रिया बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए अगर आपका पाचन शक्ति आपकी ठीक नहीं है तो फिर आपका शरीर ग्रोथ नहीं करता। जो हम खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, उसी से हमारे को शक्ति मिलती है, इसलिए हम खाना खाते हैं। तो अगर वो खाना होता क्या, हम खाते हैं उसका तो पचता है, पचने के बाद उसमें से विटामिन्स प्रोटीन ये सब आपको मिलते हैं बॉडी को, लेकिन अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बेकार है, वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको वो खाना खाने कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, उसका उल्टा आपको इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए योग क्रिया द्वारा आप डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं। प्रैक्टिसिंग योगा हेल्प चिल्ड्रन लर्न हाउ टू कंट्रोल देयर इमोशंस, स्पेशली फॉर किड्स एंड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स और अदर बिहेवियर इशू। योगा इम्प्रूव सेल्फ डिसिप्लिन, चिल्ड्रन हु आर लर्निंग योगा ऑल्सो लर्न टू मास्टर देयर ऑन बिहेवियर। प्रैक्टिसिंग योगा इम्प्रूव्स फोकस एंड अटेंशन, चिल्ड्रन डैट स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम सीटेड एट ए डेस्क इन स्कूल और इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर एट होम्स मे डेवलप अपर बॉडी टेंशन एंड इंक्रीज स्पिनल प्रेशर। योगा रिलीव्स दिस। सिंपल सी बात है कि बच्चों को आप पूरा दिन किताबों में रखते हैं, कंप्यूटर्स के सामने रखते हैं, बच्चों पे उस पर बोर भी होते हैं बच्चे, इससे थक भी जाते हैं बच्चे इससे। अब उनके लिए इंजॉयमेंट क्या है, या तो गेम्स पीरियड है या फिर योग क्रिया है। योग क्रिया से भी अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं वो, योग क्रिया के द्वारा भी प्रैक्टिस, योग क्रिया की प्रैक्टिस करके भी अपने आप को अपना फोकस और अटेंशन पूरा रखते हैं वो लोग। योग का ये बड़ा फायदा है, इट बिल्ड्स हेल्दियर ईटिंग हैबिट्स। सम स्टडीज इंडिकेट दैट किड्स हु प्रैक्टिस योगा मे चूज हेल्दियर फूड्स। योगा मेक पॉसिबल नॉट ओनली फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट बट ऑल्सो इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योगा आसन रिड्यूस फैटिक एंड स्मूथ एंड सूथी द न्यू नर्वस। योगा इज नॉन वायलेंट एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन बिकम्स मोरली गुड। ये फायदा है योगा का, जो अब मैं सारे पढ़ रहा था इसमें सारी चीज़ें सेम है कि आपको योगा से कितनी शांति मिलती है, फिजिकली कितने एक्टिव होते हैं आप, आपकी डेवलपमेंट कितनी होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी आपकी योगा से होती है। तो ये सब जो 14 साल से बच्चे आपके जो सिलेबस में है कि एक बच्चे की हेल्प योगा किस तरह करता है, यही सब जो है वो बच्चे की हेल्प इस तरीके से योगा करता है। चलिए थोड़े कुछ आसन के बारे में बात कर लेते हैं कि योगा के आसन कौन कौन से हैं। शवासन, शवासन इसको हम डेथ पोज भी बोलते हैं, और इसका इस आसन में क्या है कि आपको सीधा लेटना होता है, एकदम आप लेट गए हैं और शव की तरह पड़े हुए हैं, जैसा एक शव होता है, ना वो सांस लेता है वो, ना उसमें जान होती है, लेकिन जब आप ऐसे पड़े होते हैं तो आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, आपको लगता ही नहीं कि आप कुछ इस दुनिया में हैं, आपकी जो बॉडी है वो सोल से मिलने के लिए चली जाती है, बहुत आप इसमें घुस जाते हैं, आप आंखें बंद कर लेते हैं, एकदम शांत हो जाते हैं आप। तो सब आसन का ये सब आसन, इसी को हम सब आसन बोलते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं? बाय दिस आसन द पोस्चर एंड मेडिटेशन आर कोऑर्डिनेटेड, इट्स स्पेसिफिक द बॉडी एंड द माइंड।
इन शवासन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी स्किन मसल्स एंड नर्वस आर रिलैक्स्ड। दिस आसन गिव्स कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड रेस्ट यू मसल्स विद स्ट्रेनस एक्सरसाइज। इट्स हेल्प्स द बॉडी एंड माइंड टू रिफ्रेश आफ्टर ए लॉन्ग इलनेस। दिस आसन हेल्प्स टू क्योर द डिसीजेज सच एज हाई और लो ब्लड प्रेशर एंड इंडिकेशन दैट द ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स रेगुलर इन द एंटायर बॉडी एंड ऑन फील रिफ्रेशिंग। ये इसके एडवांटेज थे। आगे चलते हैं हलासन। हलासन क्या होता है, आपने देखा होगा दोनों पैर इसमें ऊपर होते हैं और आप लेट गए हैं, उसके बाद आपने दोनों पैर उठाए हैं, हिप्स उठा लिया आपने और दो हल के आकार का आपने आसन बना लिया है। हलासन मीन्स ए प्लक द शेप ऑफ दिस पोस्चर रिसेंबल्स प्लक एट द फ्लो एट द प्लो मेक्स द लेंथ फर्टाइल इन द सेम वे दिस पोज मे इनहेंस fertility and vitality. The plow pose is good exercise to strengthen the lower parts of the body. Halasana provides stability, health and at the same time opens the gates of the higher experiences concentration makes for non-study. मैं बता दूँ आपको कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। आपने सब पढ़ ही लिया है कि हलासन में आपका हेल्थ अच्छा रहता है, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है आपकी, आप जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ इसके एडवांटेज पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फाइन एक्सरसाइज ऑफ द एब्डोमन एंड स्ट्रेंथ इन द मसल्स ऑफ द एब्डोमन थाई एंड लेग्स। एब्डोमन क्या होता है, हमारा जो लिंग आसन है वो लिंग वाला पार्ट है हमारा, एब्डोमिनल बोलते हैं हम उसको एरिया, और उसमें जो है आपको थाई में बड़ा इसमें फ़ायदा मिलता है, टाँव के लिए फ़ायदा है यह हलासन और एब्डोमन के लिए बड़ा मजबूत है। तो ये इसके एडवांटेज है। इट्स क्योर ट्यूमर एंड इट्स गिव्स ए न्यू एनर्जी टू द थ्रोट। गले के लिए, इस गले से भी के लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें एनर्जी मिलती है गले के लिए, ऐसा इस आसन का इफ़ेक्ट है कि इससे गले में भी बड़ा फ़ायदा मिलता है आपको। और बहुत सारे इसके और भी फायदे हैं, जब आप करेंगे तो और भी फायदे आपको मिलेंगे। क्योर्स दैट डिजीज ऑफ लंग्स, लंग्स की जो बीमारियां हैं वो भी आपकी इस योगा से ठीक होती हैं। धनुरासन, धनुरासन में आपने देखा होगा धनुरासन करते हुए लोगों, धनुरासन मीन्स बो पोज, मतलब धनुर क्या होता है, धनुर मतलब आपका धनुष, धनुष का आकार आपको इसमें बनाना पड़ता है इस आसन के द्वारा, और इसका जो है मतलब एक धनुष आकार में आप आ जाते हैं जब इस आसन को करते हैं। द हैंड्स आर यूज लाइक ए बॉस्टिंग टू पुल द हेड, ट्रंक एंड लेग्स अप इन द पोस्चर रिसेंबल्स एट ए स्ट्रेच्ड बिलो बो विद ए स्ट्रिंग। ए बॉ इज टू शूट एन एरो एट ए टारगेट, हेयर द बॉ इज आवर बॉडी, द सेल्फ इज एन द अराउंड एरो। द आसन बेंड्स द स्पाइन बैकवर्ड्स, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ भुजंग आसन एंड सलभ आसन। इफ दीज परफॉर्म टूगेदर दे आर वेरी बेनिफिशियल टू द बॉडी। मैं बता दूँ धनुर के आकार का जो तीर होता है ना, तीर वो चलता है, निकलता है और वो लोगों का नाश करता है, किसी ना किसी को लगता है तो उसको बीमार करता है या मार देता है। इसी तरह ये जो आसन है ये आपकी सारी बीमारियों को मार देती है, सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती है। ये भुजंग आसन और सलभ आसन से निकला हुआ आसन है, अगर आप इसको इकट्ठे करें तो इसके बड़े फायदे होते हैं। चलिए इसके थोड़े हम फायदों के बारे में बात कर लेते हैं, इसके हम थोड़े से फायदों के बारे में बात करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या इसके फायदे हैं, फायदे कितने होते हैं इसके। तो दिस एड द डिजिनेशन एंड रिलीव्स गैस्ट्रिक ट्रबल्स, ये आपके गैस की जो प्रॉब्लम्स है बॉडी के अंदर उसको दूर करता है। पर्सन सफरिंग फॉर स्लिप्ड डिस्क हैव बेनिफिटेड बाई दिस आसन। स्लिप डिस्क क्या होता है, जो हमारी पीठ बॉडी के पीठ का हिस्सा है वहाँ डिस्क, जिसको हम डिस्क बोलते हैं, अगर वो स्लिप होता है, अगर वो हिलता है अपनी जगह से तो आपको बहुत पेनफुल होता है वो, तो उस आसन, इस आसन से उसको बड़ा फ़ायदा होता है। इट्स इम्प्रूव डाइजेशन, सिंपल सी बात है, हर योग क्रिया से मैंने पहले ही कहा था डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, ये भी आपका जो आसन है वो डाइजेस्ट बहुत अच्छा करता है, खाने को पचाता बहुत अच्छा है, और जिसके बाद पूरी एनर्जी उस खाने की आपकी बॉडी को लगती है और वो आपके लिए बड़ा फ़ायदा होता है। इट्स क्योर ट्यूमर, अब मैं बता दूं आप खुद ही सुन लीजिए, इट्स क्योर ट्यूमर, ये आपको ट्यूमर से बचाता है। तो सोचिए ये आसन कितना मजबूत और कितना अच्छा है आपके लिए। इट गिव्स न्यू एनर्जी टू द थ्रोट्स, ये गले को नई ऊर्जा देता है, नई एनर्जी देता है गले को, नई ऊर्जा देता है। इट्स क्योर डायबिटीज़ द अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी, ये सबसे आजकल डायबिटीज की बीमारी बहुत ज़्यादा है, ये डायबिटीज़ से आपको बचाता है और ये किडनी के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो ये सब फायदे हैं इस आसन के। नेक्स्ट हम चलते हैं चक्रासन।
चक्रासन क्या होता है? द स्पाइन इज ट्विस्टेड इज सच ए वे दैट द बॉडी फॉर्म्स सेमी सर्कुलर शेप एंड इट इज कॉल्ड चक्रासन। इट इज सिंबल एज ए रेनबो। मैं बता दूं चक्रासन आप किस तरह से रेनबो के आकार का होता है। रेनबो जैसे आपका अर्धचंद्र जिसको हम बोलते हैं वो दिखाई देता है, बड़ा अर्धचंद्र जो होता है, तो उस हिसाब से ही आपका ये आसन भी दिखाई देता है। इसका नाम चक्रासन है। चक्रासन के मैं कुछ फ़ायदे बता दूं आपको आगे बढ़ने से पहले। चक्रासन से हमारे पेट हमारा स्ट्रेच होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बहुत अच्छा होता है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और नर्व सिस्टम बहुत अच्छा होता है और जो आपका बॉडी ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का वो बहुत अच्छा होता है। तो इस सब क्रियाओं से चक्रासन बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे निकलते हैं, प्राणायाम की तरफ चलते हैं। ब्रेथ कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। कोई भी प्राणायाम बिना जब तक आपको ब्रीदिंग सिस्टम आपको नहीं आता है, प्राणायाम आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप कोई भी प्राणायाम करेंगे इसमें इनहेल एक्सहेल आपको करना ही पड़ेगा। बिना इनहेल एक्सहेल के आप बॉडी प्राणायाम नहीं कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, हम आगे चलते हैं। प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम इज स्टिमुलेट रेगुलेट एंड हार्मोनाइज वाइटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एज बाथ इज रिक्वायर्ड ऑफ प्योरीफाइंग द माइंड एंड इंटरनल ऑर्गन्स। प्राणायाम इतना फायदेमंद है कि आपको माइंड के तो आपको साफ करता ही करता है आपके दिमाग को, साथ में इंटरनल ऑर्गन्स जो आपके हैं उनको बड़ा मजबूत बनाता है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है प्राणायाम। पर इसके साथ आपको ब्रीदिंग सिस्टम इसमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। देयर आर फाइव मेजर टाइप्स ऑफ प्राणायाम योगा आर एज फॉलो। नाड़ी शोधना, शीतल प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, कपाल भाती प्राणायाम, दीघ्रा प्राणायाम एंड दीघ्रा प्राया प्राणायाम। ये पांच इसके प्राणायाम के जो पार्ट हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये इनमें कपाल भाती, उज्जयी, शीतल प्राणायाम, दीघ्रा प्राणायाम, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस प्राणायाम के और ये प्राणायाम का हिस्सा है और हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। नाड़ी शोधना प्राणायाम। नाड़ी शोधना प्राणायाम क्या होता है? फॉलोइंग स्टेप्स इंस्ट्रक्ट हाउ टू परफॉर्म द नाड़ी शोधना प्राणायाम। सिट डाउन इन ए कंफर्टेबल प्लेस एज्यूमिंग ए क्रॉस लेग पोजिशन। आप बैठ गए, अपने दोनों लेग क्रॉस कर लिए हैं। नाउ यूज योर थंब एंड राइट हैंड टू क्लोज द राइट साइड ऑफ योर नोज। इनहेल डीपली यूजिंग द लेफ्ट नोस्ट्री। नाउ क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्री एंड एक्सहेल यूजिंग द राइट वन। इन द सेम वे नाउ विद द लेफ्ट नोस्ट्री स्टिल क्लोज्ड, इनहेल यूजिंग द राइट नोस्ट्री एंड एक्सहेल विद द लेफ्ट अलोन। यू कैन कंटिन्यू डूइंग एक्सरसाइज ऑफ फोर एंड आउट 10 to 15 times। आपने सब समझ लिया है और ये कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसा करने के बाद ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, उससे पहले कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं शीतल प्राणायाम की। क्या होता है शीतल प्राणायाम? ये भी प्राणायाम का पार्ट है। शीतल ऑल्सो मीन्स ए कूल। शीतल का मतलब ठंडा होता है एंड दिस प्राणायाम टेक्निक विल हेल्प यू अचीव द सेम। अगर आप इस प्राणायाम को करते हैं तो इससे आपको आपके बॉडी और आपके माइंड को ठंडक प्रदान पड़ेगी, यानी आपको शांति मिलेगी। इस वर्ड यहाँ वर्ड ठंडक का मतलब से कूल का मतलब से है शांति से है, तो आपको शांति की अवधारणा होगी। टू परफॉर्म शीतली प्राणायाम बी सीटेड इन ए कम्फर्टेबल पोजिशन। आप कम्फर्टेबल पोजिशन कौन से आसन की है? सुखासन की। आप सुखासन पोजिशन में आ जाइए जो सबसे कम्फर्टेबल पोजिशन है। उस शीतल प्राणायाम को करने से पहले आपको सुखासन पोजिशन में आना है। क्रॉस योर लेग्स एंड टेक 5 डीप ब्रीथ्स टू गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। आपको बैठ जाना है, आप क्रॉस लेकर के बैठ गए हैं, सुखासन पोजिशन में बैठे हुए हैं और आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग करनी है आपको उसके लिए जो आप करने जा रहे हैं, उस योग क्रिया के लिए जो आप करने जा रहे हैं। नाउ ओपन योर माउथ इन ओ शेप एंड स्टार्ट इनहेल थ्रू द माउथ। आपको अपने मुंह को ओ शेप में लाना है और इनहेल करना शुरू कर देना है। कहाँ से इनहेल करना है? मुंह से करना है। व्हेन यू एक्सहेल डू सो विद योर नोज। दिस कैन बी रिपीटेड 5-10 times। मैं बता दूं जब हम थक भी जाते हैं, अगर आप वैसे भी कभी थक गए हैं, तो जो हमारी ब्रीदिंग सिस्टम है, हमारा ब्रीदिंग सिस्टम इनहेल एक्सहेल करना अगर आपको आता है तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाते हैं। इनहेल किससे करना है? माउथ से। एक्सहेल किससे करना है? नोज से। अगर आप इसको अगेंस्ट करते हैं, इनहेल एक्सहेल आप करते हैं, तो इससे आपको शीतल प्राणायाम आप कर रहे हैं और उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत सारा। शीतल प्राणायाम का ही फायदा है कि बॉडी और माइंड आपका एकदम शांत हो जाता है।
उज्जैयी प्राणायाम। उज्जैयी प्राणायाम क्या होता है? उज्जैयी मीन्स द ओशियन ऑफ दिस प्राणायाम इज अबाउट मिमिकिंग द ओशनिक साउंड ऑफ द साउंड ऑफ वेव्स। जो वेव्स के साउंड है ना उसको आपको निकालना है, और वो कहाँ से निकालना है? गले से निकालना है। डू टू डू दिस बी सीटेड इन ए कंफर्टेबल पोजिशन क्रॉसिंग योर लेग्स। सेम आपको सुखासन पोजिशन में आना है। इसमें भी आपको इस योग क्रिया को स्टार्ट करने से पहले आपको सुखासन पोजिशन में आना है। नाउ स्टार्ट टू इनहेल एंड एक्सहेल डीपली यूजिंग योर माउथ। आप इनहेल एक्सहेल इसमें माउथ से कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ें माउथ से कर रहे हैं इस आसन में। वाइल डूइंग दिस कंस्ट्रिक्ट योर थ्रॉट इफ समथिंग इज चॉकिंग इट इट व्हेन यू एक्सहेल एंड इनहेल द एयर। अगर आपको ये करते हुए कुछ किसी तरीके की बाधा आपके गले में लग रही है तो ये उससे आपको ठीक दिलाएगा, और आपकी आवाज़ जो है आपकी आएगी वो गले से आएगी। दिस विल प्रोड्यूस ए साउंड सिमिलर टू द ओशियन व्हेन यू ब्रीथ। एक ओशियन के रूप में आपका साउंड आपके गले से निकलेगा जब आप इसको करेंगे। नाउ क्लोज योर माउथ एंड स्टार्ट टू ब्रीथ यूजिंग योर नोज। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाउ क्लोज योर माउथ, मुंह बंद कर लीजिए एंड स्टार्ट टू ब्रीथ विद यूजिंग योर नोज। आप स्टार्टिंग नाक से आप सांस लेना शुरू कर दीजिए, बट मेंटेन द सेम टर्न टू योर थ्रोट सो यू स्टिल कंटिन्यू टू मेक सेम एज योर ब्रीथ। यू कैन रिपीट दिस प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर अबाउट 10 to 15 minutes। आपको एक्सरसाइज जो है इनहेल एक्सहेल जो है आपको कम से कम 10 से 15 बार करना है, ताकि इसका प्रॉपर इफेक्ट आपको पड़े। अगर आपको प्रॉपर इफेक्ट इस चीज़ का नहीं पड़ रहा है तो ये इस आसन को करने का आपको कोई फायदा नहीं मिल रहा है। कपालभाति प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। कपालभाति, टू परफॉर्म द कपालभाति प्राणायाम ए टेक्निक सिट इन ए कम्फर्टेबल पोजिशन क्रॉसिंग योर लेग्स। सेम इसमें भी है, देखिए योग क्रिया में, कि आपको लेग्स क्रॉस करके सुखासन पोजिशन में आके बैठ जाना है। परफॉर्म 2-3 डीप्स इनहेल्स एंड एक्सहेल्स। लगातार आपको बैठते ही जो है दो तीन बार इनहेल एक्सहेल करना है, सांस लेना छोड़ना है। नाउ इनहेल डीपली एंड एक्सहेल फोर्सफुली ड्राइंग ऑल एयर आउट। आपको इसमें जोर से जितनी भी आपके पेट में हवा भरी हुई है उसको आपको बाहर फेंकना है, जोर से फेंकना है सांस लेते वक्त। योर बेल साउंड टू बी ड्राउन इन एज यू एक्सहेल। एक घंटी के रूप में ऐसी बजती है जब आप इसको छोड़ते हैं। व्हेन यू इनहेल लेट इट हैपन पैसिवली विदाउट यू मेकिंग एनी एफर्ट टू इनहेल एज द बेली गोज टू बैक टू नॉर्मल पोजिशन। आपका जो बेली है जब आप इनहेल एक्सहेल करते हैं तो हिलता रहता है, वो अंदर बाहर होता रहता है इसमें कपालभाति में, और यही आपको जो है आपकी जो बेली है उसको कम करता है। एक्सहेल फोर्सफुली अगेन एंड कंटिन्यू डूइंग सो फॉर 20-30 टाइम्स। आप इनहेल एक्सहेल करते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, और ये आपको कम से कम 20-30 बार करना है, तब जाके आपको इस कपालभाति का फायदा मिलेगा। तो योग क्रिया में जो भी हम करते हैं उनमें सांस का बड़ा योगदान है। अगर आपका इनहेल एक्सहेल अच्छा नहीं है तो उस एक्सरसाइज का उतना फ़ायदा उस योग क्रिया का आपको नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। तो इसमें इनहेल एक्सहेल है आप ज़रूर सीखें। दीर्घय प्राणायाम के बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं। द दीर्घय प्राणायाम इज़ ए बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप्स एज इट इन्वॉल्व लेइंग डाउन ऑन योर बैक इंस्टेड ऑफ बीइंग ए सीटेड पोजिशन। द टेक्निक इन्वॉल्व्स योर वेरी डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टू। टू परफॉर्म दिस प्राणायाम लाई डाउन ऑन योर बैक एंड क्लोज योर आइज। ब्रेथ नॉर्मली एंड देन स्लोली टेक द ब्रीथ्स रिलैक्सिंग योर बॉडी। नाउ इनहेल टू लॉट ऑफ एयर इन योर स्लोली टू फिल योर बेली अप। योर बेली शुड बी राइज अप लाइक ए बलून। होल्ड दिस पोजिशन फॉर ए न्यू सेकेंड्स एंड एक्सहेल ड्राइंग द बेली इनवर्ड्स। आप समझ गए होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत अच्छा हो जाता है। इससे आप जो एक्सरसाइज ये प्राणायाम कर रहे हैं, इसमें इनहेल एक्सहेल भी कर रहे हैं, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका स्टमक है, जो आपका लीवर है, जो भी आपके अंदर भरा हुआ है, बहुत सारी आपकी चर्बी बढ़ गई है, तो ये उन सबको कम करता है। दीर्घयी प्राणायाम का मतलब है दीर्घायु होना। आपकी जो जीवन है उसको लंबा करता है, उसको बढ़ाता है। यार ये सारे आसन जितने भी हैं, योग क्रियाएं हैं, ये आपके जीवन को बढ़ाती हैं। इसका यही एक फायदा होता है। व्हेन यू एक्सहेल फ्रॉम द हार्ट एंटर देन द रिब केज एंड द बेली रिपीटेड होल प्रोसेस टू 5-6 times। आप ये जब भी एक्सरसाइज करते हैं, योग क्रिया करते हैं, तो आप एक चीज़ सोच के चलिए
कि एक बार कर लेने से आपको कुछ नहीं फायदा मिलेगा इसका। कम से कम आपको इसका ना एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी, ये योगक्रिया 15 सेकंड में करनी है या 15 मिनट करनी है या 15 बार या 20 बार करनी है। तो इनका क्या, आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। अगर आप सिस्टम नहीं बनाते हैं, अगर सारी योग क्रिया आसन क्रिया जो आप कर रहे हैं उनमें कोई सिस्टम नहीं है, तो इसको करने कोई फ़ायदा नहीं है। फिर ये आपको फ़ायदा नहीं देता है ज़्यादा जितना आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। विलोम प्राणायाम, आपने सुना होगा विलोम अनुलोम, ये दो भाई हैं। विलोम प्राणायाम इन्वॉल्व्स पॉज्ड ब्रीदिंग एट रेगुलर इंटरवल्स एंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड पॉज्ड इनहेलेशन एंड द सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड पॉज्ड एक्सहेलेशन। लेट्स लुक द दीज स्टेज इन डिटेल। मैं बता दूं आपको, मैं डिटेल में बताने जाता हूं कि विलोम के क्या फ़ायदे होते हैं। विलोम पॉज्ड इनहेलेशन, लाई डाउन इन ए कंफर्टेबल पोजिशन एंड ट्राई टू रिलैक्स, ब्रीथ डीपली बट नॉर्मली। नाउ इनहेल फॉर 2-3 सेकेंड्स एंड पॉज्ड, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन रीस्टार्ट इनहेलेशन। पॉज इनहेलेशन अगेन आफ्टर 2 सेकेंड्स, इनहेलेशन अगेन, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द लंग्स फुल फ्री टू ऑफ एयर। एक्सेल नाउ एंड स्लोली टिल यू फील एम्प्टी ऑफ एयर। विलोम पॉज्ड एक्सेलेशन, अब पॉज्ड एक्सेलेशन बता देते हैं आपको। द पॉज एक्सेलेशन इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द इनहेलेशन प्रोसेस। इन दिस केस यू इनहेल डीपली एंड नॉर्मली विदाउट इंटरप्शन बट एक्सेल विद रेगुलर पॉजेज। देखिए, इनहेल एक्सेल का अपना एक इसमें अलग ही रोल है योगा में। अगर आपको टेक्निकली रूप से अगर योगा करना है, सही रूप से योगा करना है, तो इनहेल एक्सेल आपको आना चाहिए। बिना इनहेल एक्सेल के आपका जो है योग क्रिया करना कोई फ़ायदेमंद काम नहीं है, इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलता है। चलिए अनुलोम प्राणायाम पे पहुंच गए हैं। जस्ट लाइक ए विलोम, अनुलोम इज अबाउट अल्टरनेट नोस्ट्री ब्रीदिंग, ये नाक से ब्रीदिंग की क्रिया है अनुलोम के अंदर। इन दिस केस द इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन इज डन विद वन नोस्ट्री ब्लॉक्ड एंड द अदर पार्टली ओपन। सम वेरिएशन ऑफ द योगा आर ग्रैनुलर अनुलोम। दिस टाइप ऑफ प्राणायाम इज पार्टिकुलरली यूजफुल इन क्लींसिंग द नेसल पैसेज एंड क्रिएटिंग कामनेस विद इन। मैं बता दूं कि लोम की तरह अनुलोम जो है, इसमें भी आपका क्रिया कैसे होती है, उसमें आप एक से ले रहे थे, एक से छोड़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या करना है, आपको एक को ब्लॉक करना है, एक नाक को ब्लॉक कर देना है इसमें, ताकि आप उसी से लेंगे और उसी से छोड़ेंगे। तो ये लोम अनुलोम का एक अपना एक अलग रोल है योगा के अंदर, जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद देता है। इनहेल एक्सेल आपको ज़रूर आना चाहिए इसमें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी हमने योग क्रिया की आज बात की है शिक्षार्थियों, योग आसन की जिनकी हमने बात की है, ये आप अपने बच्चों को ज़रूर बताएंगे, और बल्कि बताएंगे नहीं, उनको सामने बिठाए करवाएंगे। मैं जानता हूँ यू आर नॉट ए योगा टीचर, मैं जानता हूँ आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, योगा टीचर नहीं हैं, क्योंकि योगा एक अलग सब्जेक्ट है और इसके लिए अलग टीचर्स भी आते हैं। फिर आप ये कहेंगे कि हम योगा कैसे कराएं और क्यों कराएं, पर देखिए, हर आदमी आसन करता है, हर आदमी योगा करता है, और उसके बाद जो है अगर आप योगा नहीं करते हैं तो करना शुरू कीजिए। इससे माइंड को बॉडी को बहुत पीस मिलता है, और वैसे भी जो योग है ये हमारे पूर्वजों से आया हुआ है, ये हमारे जो साधु संत हैं इनसे आया हुआ योग है ये, और इन्हीं के थ्रू जो है हम लोग योगा के इस आसन तक पहुँचते हैं। इसमें मैंने सिर्फ अभी 5-6 आसन की बात की है। इसमें एक सूर्य नमस्कार एक आसन है योग का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 12 आसन है सूर्य नमस्कार के अंदर, और सूर्य को हम जो नमस्कार करते हैं उसमें 12 आसन से करते हैं। तो ये अगर आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी बच्चों करा दें तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको जो है ज़्यादा योग क्रिया कराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो यही सुझाव है आपके लिए कि आप योग क्रिया करें, अच्छी तरह करें, बच्चों को कराएं। इसमें बहुत सारे आसन हैं जो आपको फ़ायदा देंगे, साथ ही बच्चों को ब्रीदिंग सिस्टम समझाएं। इनहेल एक्सेल सीखना बहुत ज़रूरी है योगा के अंदर। अगर उन्हें इनहेल एक्सेल नहीं आता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनको समझ नहीं आया कि उनको सांस कब लेना है, कब छोड़ना है, मुँह से कब लेना है, नाक से कब छोड़ना है, या नाक से कब लेना है और मुँह से कब छोड़ना है। उम्मीद है जो भी जिस चीज़ के बारे में आज हमने डिस्कशन की है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो आपको समझ आया होगा। और शिक्षार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे और ज़रूर अपने बच्चों को समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।